हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए, हम आपको एक पौधे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो गाइज देखिए, ये मेरे इस पौधे को देखकर आप क्या समझ सकते हो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये पता ज़रूर है कि ये पौधे देखिए एक ऐसा मोती जड़ी बूटी का काम में आते हैं ये पौधे। देखिए इस तरह से, अभी शाम का मौसम हो चुका है इसलिए इनके पत्ते सारे देखिए इस तरह से सो रहे हैं, पर मैंने आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इस पौधे को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो गैच कि ये देखिए इस तरह से ये पौधे हैं। जो आप ये जो आप जानते होगे जो मोती मूंगा वो है, ये देखिए इस तरह से पौधे और भी मेरे ड्रम के ऊपर फैले हुए हैं। तो आप देखिए, ये आपको मैंने बताने जा रही थी किस चीज़ का पौधा है। तो ये देखिए, ये तो मैं आपको दिखा रहे थे लाल और ब्लैक दोनों मिक्स हैं, मूंगा है, ये मूंगा है। ये रत्ती के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएंगे, वो भी आपको सुनार दुकान में मिलेंगे। और ये देखिए गुंजा फल जो हम लोग बोलते हैं, बहुत ही अच्छे काम आते हैं और ये तिजोरी में भी आपको रखा जाता है। इस गुंजा फल को दीपावली के अवसरों पर धनतेरस के दिन आप जो तिजोरी में आप रखते हो थैला में कर हल्दी का गाठ, उसमें ये गुंजा का फल भी रखा जाता है। तो मैंने बहुत सारे इस पौधे को लगाया है और इनके बीज से मैंने घर में भी पौधा तैयार किया है। ये देखिए इस तरह से इनके पत्ते हैं, बहुत ही अच्छे पत्ते हैं, आप इस पत्ते को देख कर बता सकते हो। और भी देखिए इनके फूल आए हैं, ये फूल देखिए इसमें अभी निकल रहे हैं, ये फूल बहुत ही बढ़िया हैं। और इनमें देखिए इस तरह से फल आए हैं, ये फल में भी आपको लगे हुए हैं इसमें गुंजा फल, जो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो गए कि ये फल किस चीज़ का है और ये किस काम में आते हैं। तो मैं आपको दिखा रही है, देखिए इस तरह से आप देख सकते हो मेरे गाछ में ये पौधे में लगे हुए हैं, इनके गुच्छे तैयार हैं। आप इस गुच्छे को देख सकते हो इस तरह से, ये रेड, इससे रेड और ब्लैक मूंगा निकलते हैं। तो मैं आपको दिखा रही है, इसको अगर बोलिएगा तो मैं आपको तोड़कर या इसको निकाल कर भी दिखाऊंगी गुंजा फल का। ये पौधे बहुत ही अच्छे हैं, देखिए मैंने इस गमले में, छोटे से गमले में उगाई है। ये बहुत ही कम जगहों पर उग जाती है, देखिए इनका जड़ है ये आप देख सकते हो। और ये देखिए मैंने इस तरह से पौधे इस गमले में उगाई है और इनका मैं आपको तो दिखा रही हूँ फल, और इसको मैं तोड़कर भी आपको, शाम का समय हो गया है, मैं तोड़कर भी आपको दिखाऊंगी कि गुंजा फल से आपको क्या क्या फायदे हैं। किसी की यदि नज़र गुजर लग रही हो तो उसको इस गुंजे को फल का माला पहनाने से उनका नज़र गुजर वास्तु दोष सब मिट जाते हैं। इस तरह से मेरे पौधे फैले हुए हैं, देखिए आप देख सकते हो गाइस। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पौधे में फल भी लगे हुए हैं बहुत सारे इस तरह से। तो मैंने और ये इनके जानकारियाँ दे रही हूँ कि ये जो गुंजा फल है ये रत्ती के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगी, पर ये जिस लड़की को शादी नहीं हो रही है, मांगलिक हो, तो इसके अंदर का बीज जो हम आपको दिखाने जा रही है इस तरह से आपको तोड़ ली है और इनको मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गाइस। ये देखिए इस तरह से मुझे इस बहुत ही हार्ड नज़र आ रही है, इसलिए ये टूट नहीं पा रही है क्योंकि इसको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम आपको दिखा पाएंगे। तो गाइस देखिए, ये तो अभी वाइट और हल्का रेड के ऊपर आए हैं इनका बीज, देखिए इस तरह से। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए इनका जो अभी फल लगे हैं वो ग्रीन है इस हिस्से में, लेकिन इनका फल आए हैं वो देखिए इनका मोती की तरह एकदम अच्छी लग रही है देखने से। ये इस तरह से आप इसको देख सकते हो, ये यदि पकेंगे तो ये पूरे ब्लैक हो जाएंगे और रेड हो जाएंगे, आधा आधा मिक्स हैं, देख लीजिए आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस कि ये रेड और ब्लैक हो जाएगी और ये सारा मूंगा आपको तैयार मिलेगी। इसलिए मैंने इस पौधे को ये अपने गमले में उगाई है और इनसे बहुत सारे आपको लाभ मिलेंगे। तो इसको मैंने यहाँ फिर से टंग दी है क्योंकि इसको टंगने से बहुत ही अच्छे
बीच से मैंने फिर से गाछ तैयार कर सकती है। और ये देखिए मैंने इस पौधे को इसमें रेडी कर ली है और इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो आप भी इस पौधे को घर में उगाओ और इस रत्ती मूंगा को अपने घर में लगाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से लग जाएंगे इनके रत्ती और मूंगा, जो आप लोग हम लोग बोलते हैं गुंजा फल। ये तिजोरी में तो मैंने रखने के लिए बताया गया। और भी इनको यदि आपको शांति नहीं मिल रही है तो इस मोती को गाँथ कर आप अपने गले में हार धारण कर सकते हो। और यदि गले में नहीं संभव हो तो आप हाथों में भी धारण कर सकते हो गले से। तो इस तरह से आप बहुत सारे मूंगे इस लाल गुंजे को आप पहन सकते हो। ये लाल गुंजे बहुत ही शांति रखती है और इनका प्रतीक है, इसलिए इन गुंजा फल को आप घर में अवश्य लगाएं। और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलेगा। इसलिए मैंने इस पौधे को देखिए, इस दूर से मैंने दिखा रही हूँ कि इस पौधे को देखिए मैंने गमले में उगा रखी है। ये गुंजा फल का पौधा है, बहुत ही अच्छे पौधे हैं। इनको जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें पूरा से पूरा, और आगे भी बढ़ाने का कोशिश में लगे रहें, क्योंकि ये पौधे बहुत ही अनमोल रत्न हैं। क्योंकि ये पौधे बहुत ही अच्छे जगहों पर मिलते हैं, ये सब जगह नहीं पाया जाता है गाइस। पर मैंने इसको मूंगा मोती से अपने घर में पौधे को रेडी कर ली है। इस तरह से फ्लावर भी आए हैं, देखिए इनके फ्लावर हैं, बहुत ही अच्छे फ्लावर हैं। मैंने बीज भी आपको तोड़ कर दिखाई है, इस तरह से इनके ग्रीन ग्रीन लगे हुए हैं। और ये देखिए जब भी आपको ये मूंगा मिलेंगे, ये गुंजा फल मिलेंगे, तो आधा वाइट आधा ब्लैक मिलेंगे, आधा रेड आधा ब्लैक मिलेंगे, ये मिक्स ही होकर मिलते हैं। इनसे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। आप इनको घर घर में ज़रूर रखें, तिजोरी में ज़रूर रखें। और आपको यदि शांति नहीं लग रही हो तो इस मोती का आप माला भी धारण कर सकते हो और हाथ में भी धारण कर सकते हो गाय। बहुत ही बढ़िया मोती हैं इनके और बहुत ही अच्छे।